केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 31.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजी। जम्मू एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में हुए धमाके को डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया आतंकी हमला। टीएमसी नेता मुकुल रॉय के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़े कार्यकर्ता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा हर देशवासी तक पहुंचा दो वैक्सीन, चाहे हो मन की बात भी सुन लो। बैंगलोर में सामूहिक दाह संस्कार के लिए बना सबसे बड़ा शमशान घाट हुआ बंद, कोविड मामलों में कमी के कारण हुआ यह फैसला। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मध्य प्रदेश में डीजल के शतक के साथ ही रीवा जिले के सुहागी में भी डीजल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमाशंकर और अन्य कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पीएम और प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो पर तिलक लगाया और माला चढ़ाकर डीजल के शतक पर उनको बधाई दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में डीजल ने शतक पूरा कर लिया है। रीवा जिले के सुहागी में पेट्रोल पंप पर डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर, वहीं पेट्रोल 109 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमावर्ती उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 97 रुपए 40 पैसे तो डीजल 90 रुपए 99 पैसे की कीमत से बिक रहा है। दामों में इतना बड़ा अंतर होने के कारण सीमावर्ती मध्य प्रदेश में कोई डीजल पेट्रोल नहीं भरवा रहा है। मंदसौर में कांग्रेस के युवा नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार में तेल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब जनता परेशान हो रही है, लेकिन इस सरकार को किसी की भी चिंता नहीं है। शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को इस मामले में एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शन कर जानकारी मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया और स्थिति को संभाला। पेट्रोल डीजल के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, खाद्यान्न के दाम हो, तेल के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विडंबना यह है कि जो मोदी और भाजपा सरकार ये कह के आई थी कि अब की बार बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। शिवराज सिंह जी जब 65 रुपये पेट्रोल बिकता था तब साइकिल यात्रा करके निकले विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आज 105 और 110 रुपये में पेट्रोल डीजल है और वो कहीं गुम है। हमारे युवक कांग्रेस के साथियों ने सोचा कि कोई सांकेतिक प्रदर्शन कर मंदसौर जिला युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश पटेल जी, राहुल जैन जी विधानसभा, देवेंद्र अटोलिया जी, विनोद पटेल जी और रविंद्र पाटीदार जी। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार और भाजपा का असली चेहरा लोगों के सामने जल्द ही आ जाएगा क्या बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं किया है। इनके नेता महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं, तो चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव का ये बयान। देखिए, मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उस भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, उस आरएसएस के श्लोक हैं जो उस ऑडियो में वो सुना रहे हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो महिला सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री अगर इस स्तर पर किसी से फ़ोन पे बात करता है तो मध्य प्रदेश का हर नागरिक और हर महिला शर्मिंदा है, क्योंकि मध्य प्रदेश आज तक कभी भी इस स्तर पे नहीं गया है। और मध्य प्रदेश में अगर ऐसे मंत्री हैं जो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं तो मध्य प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए ये शिवराज जी तय करें, क्योंकि अवार्ड लाने में शिवराज जी एक्सपर्ट हैं। अवार्ड की लाइजनिंग बहुत अच्छी करते हैं। अभी स्मार्ट सिटी के अवार्ड लेके आए हैं लेकिन गड्ढे अभी तक बंद नहीं हुए हैं, तो एक अवार्ड गृह मंत्री जी के लिए भी ले आएँ ताकि मध्य प्रदेश में ये पता चले कि हमारे गृह मंत्री कितने अच्छे उच्च। गरौट को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को इस मामले में मांग पत्र दिया था।
इस पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्व विभाग को भेजा है। पत्र के आधार पर राजस्व विभाग गरौठ जिले के मांग संबंधी जानकारियां ली गई थी। जिले के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारियां मांगी गई, लिहाजा अब सब सही लग रहा है तो जल्द ही शायद गरौठ को जिला बनने का भी गौरव प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के सिद्धिगंज खाचरौद सहित आसपास के ग्रामीण वासियों ने रोड निर्माण को लेकर धरना दिया। दर्जनों ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय भाजपा विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं आष्टा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और धरना देने वाले ग्रामीणों का समर्थन किया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार से रोड निर्माण कार्य को जल्दी पूरा कराने की भी उन्होंने अपील की। देखिए, यहाँ पे बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। यहाँ पे जो हमारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है, ये 40 गांव के आसपास के गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं और इन लोगों की जो हालत है रोड की उसके लिए बैठे हुए हैं। विगत 10 साल से ये रोड जर्जर हालत में है। 2 साल पहले रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन और समाज सेवियों ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही उन्होंने रक्तदान कर पुण्य भी कमाया। कोरोना लहर के थमने के बाद अब अस्पताल में रूटीन ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे हैं जहाँ खून की डिमांड बढ़ी है। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए इस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौरान जो है पूरे देश में रक्त की बहुत कमी हुई है, जिसके कारण बहुत अत्यधिक जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में आज जो है प्रशासन और सभी लोगों के साथ, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, रेड क्रॉस के साथ मिल करके एक विशाल रक्तदान शिविर लगा रहा है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रीवा में भी 1000 ब्लड जो है यूनिट का अपने पास है ब्लड बैंक, लेकिन मुश्किल से उसमें 50 से भी कम पूरी बची हुई है, तो उसकी जिसके कारण ढेर सारे ऑपरेशन रुके हुए हैं, ढेर सारे गंभीर रोगियों की समस्या है, तो उस समस्या को हम। खंडवा में कोरोना कर्फ्यू के बाद शहर अनलॉक होने पर मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में भोजन वितरण कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें, संघ सदस्यों ने रेलवे स्टैंड पर जरूरतमंदों को भोजन का वितरण किया। यह जानकारी देते हुए संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ सदस्य लगातार लोगों की मदद करते आए हैं, इसी कड़ी में अब वह भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। इंदौर में बेहद हाई प्रोफाइल मामला भवरकुआं थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां अलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल महिला का आरोप है कि उनके पति विनय रंगशाही सास और ससुर उन्हें परेशान करते हैं, लगातार तलाक के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि अलीराजपुर के जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही के पिता अशोक रंगशाही डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं और इंदौर में टीआई भी रह चुके हैं। फिलहाल महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, इसमें एक अभिजीका है फरहत नाजनीन, पति विनय रंगशाही, निवासी कौशल्यापुरी चितात इंदौर, ने एक शिकायत आवेदन वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पर दिया है। उस पर से अपराध कायम किया गया है। उस पर उसके पति विनय रंगशाही और ससुर और उसकी सास के विरुद्ध अपराध कायम कर विचना में लिया गया है। विनय रंगशाही जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर में है। जावरा पुलिस ने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस गिरोह के पास से चोरी के ट्रकों को बरामद कर लिया गया। पुलिस की सफलता पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने कप्तान और अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया।
एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस की टीम को सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल उड़ाकर फूल की मालाएं पहनाई। पर हमने एक इस्तकबाल किया है पूरे पुलिस प्रशासन का, एसपी गौरव तिवारी साहब का, वीडी जोशी जी का और शहर थाने का। वो इसलिए क्या, क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर से 8 से 10 गाड़ियां गई, वो आज तक पता नहीं था इन गाड़ियों का। और ये असंभव बात थी कि हमें गाड़ी मिल जाएगी, पूरे ही गाड़ी वाले उम्मीद खो बैठे थे कि गाड़ी कहीं नहीं मिलना। और ऐसे गरीब व्यक्ति की गाड़ी थी जिसने के 4 साल के अंदर तिल तिल करके पैसा अपनी गाड़ी कमाई से जोड़ा और गाड़ी आज फ्री हुई थी और गाड़ी चोरी हो गई। उसके घर वाले इस तरीके से रो रहे थे कि उनका रोना बिलखना नहीं देखा गया। फिर पूरे पुलिस प्रशासन की इतनी सराहनीय भूमिका रही कि जिसने 20 तारीख को जावरा शहर में अस्पताल के सामने से एक ट्रक ट्रांसपोर्ट के पास खड़ा था, अमजद भाई का ट्रक, जो यहाँ से माल लेके जाना था, लेकिन उनको भाड़ा नहीं मिला था, वहाँ खड़ा था 2 दिन से ट्रक खड़ा हुआ था। यहीं के कुछ लोगों ने 20 तारीख की रात में उस ट्रक को यहाँ से चोरी करके और ले गए थे। मामला संज्ञान में आया, अपराध पंजीबद्ध हुआ, हालात वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए। इसके सामने भी उस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की थी। और हमारे जो CSP साहब हैं, जो भी ग्रामीण जो हमारे CSP भी हैं गुलवार साहब, उनके द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था थाने में। और उस टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके आरोपियों के द्वारा जो रास्ता अख्तियार किया गया था चोरी करके ट्रक को ले जाने का, उसको CCTV फुटेज के माध्यम से हमने इंदौर तक ट्रैक किया। और उस परिधि में जो लोग आए थे, जो संदिग्ध थे, जिनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, उनको हमारे द्वारा चिन्हित किया गया। और चिन्हित करके जब हमने उनसे पूछताछ की तो मामले का पूरा खुलासा हो गया। अमरुद्दीन जो यहाँ का पाड़िया रोड पर रहता है, भटकड़ी का रहने वाला है मूल था। पिछले कई समय से सहारा इंडिया जनता के पैसों का प्रतिदिन कलेक्शन कर इकट्ठा करती थी, साथ ही बैंक में 6 वर्षों में डबल रुपए करने की योजना फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से चलाई जा रही थी। लेकिन सहारा बैंक पिछले कुछ समय से दिवालिया घोषित होकर आम जनता का रुपया लौटा नहीं पा रही है, जिसको लेकर विक्रमगढ़ निवासी बंकट सेठिया ने अपनी FD की समयावधि पूरे होने पर भी उनकी राशि नहीं लौटाने पर आलोर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही आलोर थाना क्षेत्र में करोड़ों रुपए जो आम जनता का जमा है, वह पैसा सहारा बैंक लौटा नहीं पा रही, जिस पर सहारा संस्था के प्रमुख सुब्रत रॉय सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई थी और अब तीसरी लहर से भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में इंदौर के चिड़ियाघर में शेर और बाघ का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और चिड़ियाघर में खास इंतजाम भी किए गए हैं। परिसर में एंटीवायरस पाउडर का भी छिड़काव किया गया है, इसी के साथ केमिकल से भी छिड़काव किए जा रहे हैं। धार जिले के कुक्षी अंतर्गत थाना बाग टांडा कुक्षी से 7 बाइक चोरों को 26 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह ने सभी SDOP और थाना प्रभारियों को मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में SDOP कुक्षी ने दल बल के साथ मोटरसाइकिल चोरी करने वाले संदिग्ध गांव में रात में दबिश दी और 20 लाख रुपए की 26 मोटरसाइकिलों को बरामद किया। वहीं उन्होंने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी प्रभारी, चौकी प्रभारी, डेहरी और इनके दलबल के साथ संदिग्ध ग्रामों में दबिश दी गई और दबिश देने के दौरान टांडा थाना से ग्राम गेट्टा और पिपलदा से 12 मोटरसाइकिल, उच्ची के 2 आरोपियों से 6 मोटरसाइकिल और बाघ के जामला से 9 मोटरसाइकिल, कुल 26 मोटरसाइकिल एक ब्लेड बरामद हुई है, जिसमें 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। CCTV की मदद से जावरा पुलिस ने शहर से चोरी हुए एक ट्रक को केवल 4 दिन में बरामद कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को चुराने वाले 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एक फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपितों में पिता और पुत्र भी शामिल है। बता दें कि रतलाम जिले के जावरा शहर के हॉस्पिटल रोड स्थित चौहान ट्रांसपोर्ट के सामने बीते दिनों एक ट्रक चोरी हो गया था, जिसके बाद ट्रक चोरी की रिपोर्ट जावरा शहर थाने में दर्ज कराई गई थी। जावरा के चारों ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने पेट्रोल पंप और टोल नाकों पर CCTV फुटेज चेक किया, जिसके बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया।
कि जिस तरह से सूझबूझ से यहाँ पर थाना प्रभारी जावरा सिटी और उनकी पूरी टीम ने कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एडिशनल SP सुनील पाटीदार साहब, SDOP रविंद्र और थाना प्रभारी विडी जोशी, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से कार्रवाई किया। इन्होंने एक टीम बनाकर कार्य किया जिसके कारण जिसका ही नतीजा है कि 5 दिन के अंदर ही न सिर्फ पूरे गैंग के लोग। इंदौर के राजवी बाजार थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की इस कार्यवाही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए शातिर के पास से जानकारी मिली कि ये लोग करोड़ों के मादक पदार्थों की तस्करी किया करते थे। फिलहाल इन शातिरों के पास से 66 ग्राम ब्राउन शुगर को भी बरामद किया गया है जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लाखों की बताई जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्ति जिसमें एक महिला भी है, क्षत्रिय धर्मशाला के पीछे अवैध ये मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो सूचना पर रावजी बाजार की टीम द्वारा दबिश दी गई और 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उनके पास से क्रमशः एक आरोपी का नाम है विक्की, उसके पास से 34.20 ग्राम्स ब्राउन शुगर मिला और दूसरी जो महिला संदिग्ध थी उसने अपना नाम संतोषी उर्फ जोया, पति शादाब खान बताया, जिसके पास से 31.80 ग्राम, ऐसे टोटल 66 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र में एक युवक ने डंडे से पीट पीट कर अपने पिता की ही हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी सहित पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हुई है जो सुखर में, ये पारिवारिक विवाद है, गृह कलेश टाइप की घटना है, घर के घर में ये घटना हुई है और जो इस घटना में मृत हुआ है बहादुर सिंह कौन, इसकी उम्र 45 साल है और ये किसी बात को लेकर पत्नी को मारपीट करना चाह रहा था या जो भी है। तो ये जो है पत्नी बचने के लिए कमरे में जाके अपनी लड़की से कमरे में जाके बंद कर लिया अंदर से दरवाज़ा, ठीक है। तो उसको मारने के लिए या बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से जो दरवाज़ा तोड़ रहा था, उसी समय उसका बड़ा लड़का भी भाईलाल गौंड ग्राम भित्री में रहता है, लेकिन लकीली वो घर आया, उसने आलम देखा कि ये पिता जो है हथौड़ी से दरवाजा तोड़ रहा है। पूछा क्यों तोड़ रहे हो, कुछ नहीं बोला, इसको मारने के लिए आमादा हो गया, इससे बन गया वो, इससे झगड़ने लगा तो फिर दोनों में हाथा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।